लुकेश मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी में। राज कुंद्रा को कर लिया गया है अप्रोच बिग बॉस 16 में आने के लिए। चलिए आप लोगों को बताते हैं एक्सक्लूसिव अपडेट जो कि आप लोगों के लिए जानना है काफी ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बिग बॉस 16 के आने का। काफी सारे अपडेट्स हैं, अगर आप लोगों को वो अपडेट्स लगातार जाननी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है खुशी रू। अगर आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन कोई टॉपिक है या चटपटा सा मसाला है तो मुझे वहां पर डीएम भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी आपके नाम के साथ। अगर मैं मुझे उस टॉपिक के बारे में पहले से ना पता हो तो मैं आपका नाम लेके उस वीडियो को जरूर बनाऊंगी। तो इसी दौरान ही अभी जैसे कि आप लोगों ने शमिता शेट्टी को बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा, बिग बॉस 15 में आप लोगों ने देखा, जब वो आई तब काफी सारी बातें साथ में जुड़ के आई, क्योंकि उस वक्त करण कुंद्रा का केस चल रहा था और वो जेल भी गए हुए थे। शमिता शेट्टी के ऊपर, शिल्पा शेट्टी के ऊपर काफी सारी उंगलियां उठ रही थी। उस वक्त भी बताया जा रहा था कि शमिता शेट्टी काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर करने आई हैं और राज कुंद्रा भी जो है वहां पर आएंगे। हालांकि ऐसी बातें जो है वो उड़ी थी, पर ऐसी कुछ बातें हुई नहीं, ना तो राज कुंद्रा वहां पर आए ना तो आने का सवाल था। पर इस बार अभी एक्सक्लूसिव अपडेट ये आ रही है कि राज कुंद्रा को उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज के कारण जो है बिग बॉस 16 के मेकर्स ने अप्रोच किया है। हालांकि अगर मैं पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मेरा मन क्या कहता है राज कुंद्रा के बारे में, तो भाई वो तो नहीं आएंगे, बहुत ही बड़ा आदमी है, काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे और उसके बाद आराम से हो गए हैं, उनको क्या जरूरत है अपनी सब चीजें क्लियर करने के लिए। अप्रोच तो कर लिया गया है पर मेरा विचार ये है कि वो आएंगे नहीं, पर अगर वो आ गए तो काफी ज्यादा चटपटा मसाला मिलेगा। क्या आप लोगों को लगता है कि वो आएंगे या आप लोगों को लगता है कि भाई बंदा नहीं आएगा या मेरे साथ सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।